गीता जयंती हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का जन्मदिन ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। गीता जयंती हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। गीता महोत्सव की शुरुआत साल 1989 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की एक पहल के रूप में हुई थी। ये उत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन जिला प्रशासन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और जनता को संबोधित करते हुए लोगों को गीता के बारे में ज्ञान दिया। एक प्रकार से आगे बढ़ाने वाले दुनिया भर में इस गीता जयंती के इस कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर फैलाने में ऐसे हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में योग ऋषि जिन्होंने योग अपने देश की जो एक विरासत, जो एक परंपरा सारे विश्व भर में और उसको जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने योगदान किया है, ऐसे हमारे योगाचार्य स्वामी रामदेव जी, ज्ञान की कुंजी अपने समाहित किए हुए और लोगों को ज्ञान का वितरण करते हुए ऐसे हमारे स्वामी परमात्मानंद जी, पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी, पद्मश्री ब्रह्मानंद जी, स्वामी निर्मलानंद जी, स्वामी माधव प्रियादास जी, स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी, बाबा भूपेंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिनेश जी, स्वामी शाश्वतानंद जी, स्वामी वंशीपुरी जी, सभी अन्य उपस्थित पूज्य संतजन, उपस्थित सभी हमारे सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव गीता महोत्सव जो मनाया जाता था उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, तो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है, दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से ये कार्यक्रम दो भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख